सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जब भी पाठ पूजा पर बैठते हैं तो हमें झटका क्यों लगता है, हमें झटका क्यों महसूस होता है, क्या ये अच्छा होता है या माड़ा होता है, इसकी क्या असल वजह है, इसी के बारे में जानेंगे। सो आप सभी से विनती है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम जब भी पाठ पूजा बंदगी पर बैठते हैं तो हमें झटके लगने लगते हैं, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। जब भी कोई इंसान पूरे इश्क के साथ, ईमान के साथ, यकीन सब्र के साथ अपने पीरो मुर्शिद का पाठ पूजा करता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर उस पाठ पूजा की वजह से हमारे पीरो मुर्शिद की शक्ति प्रवास करने लगती है। वह शक्ति हमारे अंदर धीरे धीरे लगती है, जो हमारे अंदर पहले से ही रूहानियत की शक्तियाँ मौजूद है वह धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, हम पाठ पूजा बंदगी करते रहते हैं तो जब वह शक्तियाँ पूरी तरह जागृत हो जाती हैं, हमारी रूह पाक हो जाती है, हमारा जिस्म पाक हो जाता है, तो फिर वह शक्तियाँ झटके के रूप में बाहर आती हैं। जो इंसान पूरे यकीन के साथ, इश्क के साथ और श्रद्धा के साथ अपने पीरो मुर्शिद का पाठ बंदगी करता है, उसके अंदर जय शक्तियाँ पैदा होती ही होती हैं, और जब वह पूरी तरह जागृत होकर बाहर निकलती है तो हमें अपने शरीर में झटका महसूस होता है। बंदगी, पाठ पूजा यह करनी अति जरूरी है। आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि पहले समय में जब कोई आदमी किसी पीरो मुर्शिद अपने गुरु के पास जाता था नाम सिमरन लेने के लिए, नाम शब्द लेने के लिए, तो पहले समय में क्या किया करते थे, वह पहले उन्हें कोई कलमा मंत्र देते थे कि जाओ भाई 6 महीने इस कलमे मंत्र का पाठ करो, अगर आपने इसको अच्छी तरह कर लिया, इसका रस आपके अंदर आ गया, तो फिर हम आपको गुरु का शब्द देंगे, तभी आप वह शब्द पढ़ने के लायक होंगे। वो 6 महीने में इंसान लगातार उस कर्मे मंत्र का पाठ करता है तो उसके अंदर की बुराइयां दूर हो जाती थी और उसके अंदर की अवस्था बंदगी के लिए सही हो जाती थी। 6 महीने के बाद वह इंसान बंदगी करने के योग हो जाता था। इसीलिए करते आज भी ऐसे ही है, चाहे 6 महीने कलमा पहले पढ़ लें चाहे बाद में, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी हमारे अंदर रस आएगा, तभी हमारे अंदर हमारे पीरो मुर्शिद की जोत जागृत होगी। जब भी कोई इंसान अपने पीरो मुर्शिद अपने गुरु की बात मानकर 6 महीने अच्छी तरह पूरे यकीन के साथ, सब्र के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ वह उस शब्द का, कलमे का सिमरन करता था तो जब वह अपने गुरु के पास आता था तो उसके अंदर की अवस्था पूरी तरह बदल जाती है। वह उसके चेहरे का नूर भी अलग हो जाता है, उसकी चाल ढाल, बोल चाल सब कुछ ही बदल जाता है। और फिर उसके बाद उसको गुरु का शब्द दिया जाता था, जब वह शब्द का सिमरन करता था, बंदगी करता था तो उसके अंदर की सभी शक्तियां जागृत हो जाती थी और वह अपने पीरो मुर्शिद को, उस अल्लाह ताला को पा लेता था और वह एक आम इंसान से वली हो जाता था। और आज के समय में हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई कलमा ढूंढते रहते हैं, चाहे किसी से मिल जाए, इंटरनेट से मिल जाए, यूट्यूब से मिल जाए या कहीं लिखा हुआ मिल जाए, और हम सोचते हैं कि हम उसे पढ़ें और हमारे साथ वह सब कुछ होने लगे जो एक गुरु के साथ होता है, जो एक अल्लाह ताला के वली के साथ होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक आपके पास कोई कामल गुरु नहीं है, गुरु के द्वारा दिया हुआ शब्द नहीं है, तब तक आपके अंदर रूहानियत की शक्ति जागृत कभी नहीं होगी, आपको रूहानियत का असल ज्ञान कभी नहीं होगा।
अगर आप भी रूहानियत का एहसास करना चाहते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को पाना चाहते हैं, एक सच्चा और पाक आप मुरीद बनना चाहते हैं, तो आपको एक कामल गुरु की जरूरत जरूर पड़ेगी। एक गुरु ही हमारे अंदर रूहानियत की शक्ति को जागृत कर सकता है। वही हमें रास्ता बताएगा अल्लाह ताला से मिलने का, सब शक्तियों को जागृत करने का और अपने अंदर की बुराइयों को मारने का। जब कोई इंसान गुरु वाला हो जाता है, एक के लड़ लग जाता है, तो उसे झटके लगना, बंदगी करते समय उबासी आना, ये आम बात हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने तन मन को पाक साफ कर लिया होता है, उन्होंने दुनियावी बुराइयों को छोड़ दिया होता है और वह सच्ची लगन से अपने पीरो मुर्शद की, अल्लाह ताला की बंदगी इबादत करते हैं। तो उनके साथ झटका लगना, चाहे वह पाठ पूजा बंदगी पर बैठे हों, चाहे रात को सोए हुए हों, पीरो मुर्शद की शक्ति कभी भी हमारे अंदर जागृत हो सकती है, वह कभी भी आ जा सकती है। ये रूहानियत का बहुत बड़ा खेल है, हम आम इंसानों के बस की बात नहीं है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा जो लोग पाक साफ हैं और नाम सिमरन बंदगी करते हैं, चुगली निंदा लो मोह अहंकार से दूर हैं, उन्हें ऐसी झटके उबासियां आती ही रहती हैं। सो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें पाठ पूजा करते समय झटके क्यों लगते हैं। यह सिर्फ हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है, पीरो मुर्शद की रूहानियत की शक्ति है जो हमारे अंदर जोर मारती है, बाहर आने की कोशिश करती है। इसी शक्ति से ही हमारे चेहरे का नूर बढ़ जाता है, हमारे अंदर की बुराइयां बाहर आ जाती हैं और इंसान पाक साफ हो जाता है, शरीर से भी और रूह से भी, और एक न एक दिन भी अपने पीरो मुर्शद में विलीन हो जाता है। इसीलिए जब भी पाठ पूजा करें, पूरे इश्क के साथ, यकीन के साथ, सब्र के साथ करें, एक न एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। सो आप इन बातों पर गौर जरूर करें और घबराए नहीं, समय कैसा भी हो आपका पीरो मुर्शद आपको कभी कोई नुकसान नहीं होने देगा। बस यकीन रखें, श्रद्धा रखें, अल्लाह ताला आपकी बंदगी इबादत मंजूर करे। आमीन।